वेलकम बैक, UMB न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही रोजाना अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज का लाइक 500 है। हम उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर पूरा करेंगे। आपको बता दें, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत 11 राज्यों में 4 जनवरी से हो सकती है बारिश। पारा गिरने के भी आसार, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। उत्तर पश्चिम भारत में 5-6 जनवरी को भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक एक तेज पश्चिमी विक्षोभ के 4-7 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करने की संभावना है। इसके साथ ही इसके प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 5 और 6 जनवरी को भारी बारिश हो सकती है। 1 जनवरी से 3 जनवरी तक पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश या बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली NCR में साल की पहली बारिश 5 और 6 जनवरी को होने की संभावना है। IMD ने कहा कि 5 जनवरी को दिल्ली में बारिश हो सकती है और आंधी आने की भी संभावना है। IMD के DG मृत्युंजय महापात्रा ने शनिवार को पश्चिम हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, उत्तर पश्चिम भारत की ओर आ रहे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में 4 जनवरी से 7 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है। एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इसके प्रभाव से हम अगले 48 घंटों में इस क्षेत्र में छिटपुट वर्षा या हिमपात की उम्मीद कर रहे हैं। 4 जनवरी से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ेगा। इसके प्रभाव में 4-7 जनवरी तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादातर जगहों पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें डालेगा। IMD ने कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अगले 2 दिनों तक तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहेगी। निचले स्तरों में तमिलनाडु के तट से दूर तेज उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं। एक चक्रवाती परिसंचरण मध्यम क्षोभ मंडल स्तर पर श्रीलंका तट से दूर बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। चेन्नई सहित कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। IMD के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में 3 जनवरी तक शीतलहर जारी रहेगी। दिल्ली में शनिवार की सुबह धुंध हुई है। दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी कम हुई। इसके अलावा दिल्ली NCR में साल की पहली बारिश 5 और 6 जनवरी को होने की संभावना है। IMD ने कहा कि 5 जनवरी को दिल्ली में बारिश हो सकती है और आंधी आने की भी संभावना है। 6 जनवरी तक दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 4-9 डिग्री सेल्सियस और 20-21 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में भी 3 जनवरी तक शीतलहर या भीषण ठंड की स्थिति रहेगी। इस अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे नई खबरों के साथ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर आज पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। यदि कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहिए UMB न्यूज़। नमस्कार।